अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पोटैटो चॉप्स की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, तो आप इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाते हैं चिकन पोटैटो चॉप्स। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिए है 6 से 7 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने उबाल कर देखिए मैश कर लिया है। तो मैश हमें आलू को अच्छे से कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना श्रेडेड चिकन। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को देखिए मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। तो अब हम इसके बनाएंगे चिकन पोटैटो चॉप्स। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो हम यहाँ पर 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना ले लेंगे बैटर और इसे पहले गोल शेप देंगे। और फिर इसे हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से लंबा शेप देते जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम सभी तैयार कर लेंगे। और ये सभी तैयार कर लिए हैं हमने। अब हम इसे कोट करेंगे अंडे से। तो यहाँ पर 1 अंडा ले लिया है मैंने, उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें कोट कर लेंगे अंडे में। और फिर हम इस पर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये हमने इस पर लगा लिया अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स। हर तरफ हमें ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। देखिए इस तरह से। ये देखिए तो सभी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो ये देखिए सभी हमने तैयार कर लिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म तेल में हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है हर तरफ से। देखिए हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। तो हर तरफ से हम अलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है चिकन पोटैटो चॉप्स की ये रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और ये देखिए कितने ये बेहतरीन बने हैं। बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे सर्व करें सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।